नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर के उपनगर मकरोनिया में आज कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जी, मकरोनिया क्षेत्र में अंबेडकर मूर्ति नरसिंहपुर रोड से मकरोनिया चौराहे रजाकेड़ी की ओर एक विशाल प्रदर्शन रैली जिला कांग्रेस कमेटी सागर शहर की पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में तथा जिला कांग्रेस कमेटी सागर ग्रामीण अध्यक्ष आनंद अहरवार की मुख्य उपस्थिति में रैली निकाली गई। जी हाँ, हम आपको बता दें, महिलाओं ने हाथ में झाड़ू लेकर दौड़ लगाई। जी हाँ, बड़ी रैली निकाली गई है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आक्रोश जताया गया कांग्रेस द्वारा, और प्रदेश में अपराधों का जो ग्राफ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और तमाम समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया है। देखिए विजुअल्स क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का, सुनिए जरा। जाति के लोगों पर अत्याचार निरंतर बढ़े हैं। पूरे देश में अव्वल वन मध्य प्रदेश है और यहाँ तक स्थिति यह बिगड़ गई और लोगों के मंसूबे इतने बढ़ गए कि लोग सिर के ऊपर से पेशाब कर रहे हैं और शिवपुरी में मेला खिलाया है। ये क्या, ये सरकार है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सरकार को अब नैतिकता तो बची नहीं है, तो जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी, इनका जो सच्ची तस्वीर जो आई है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की, उस तस्वीर को लोगों के सामने दिखा रहे हैं